हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक्नो विश्नोजी यानी टेक्निकल ज्ञान का भंडार। दोस्तों कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जैसे पहले हर जगह हमें कोरोना की न्यूज़ देखने के लिए मिल रही थी, चाहे वो अब यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, या फेसबुक हो, या इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, चारों तरफ कोरोना वायरस की न्यूज़ फैली पड़ी थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से 14-15 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि हर जगह टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, चाहे वो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, चारों तरफ ये चीज़ चारों तरफ फैली पड़ी है। तो दोस्तों आखिर होना क्या चाहिए, क्या टिकटॉक बंद होना चाहिए या टिकटॉक सही है या गलत है, मैं इस वीडियो में अपने ओपिनियन रखने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लेना। तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात की जाए YouTube वर्सेस TikTok की, तो ये बिल्कुल भी सिमिलरिटी नहीं है। YouTube वर्सेस TikTok तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि YouTube एक अलग प्लेटफॉर्म है और TikTok एक अलग प्लेटफॉर्म है। दोस्तों YouTube के जरिए हम किसी भी पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, या कुछ अगर सीखना हो तो वो एक डिटेल में हम YouTube के जरिए सीख सकते हैं, जो कि TikTok पर नहीं हो सकता। दोस्तों टिकटॉक एक एंटरटेनमेंट की एप्लीकेशन है, यहाँ से सिर्फ हम एक एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। अब कुछ बड़े क्रिएटर हैं जो हमें इंग्लिश सिखाते हैं, कुछ मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, उनके जरिए कुछ हम सीख सकते हैं टिकटॉक पर, वरना टिकटॉक पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ पर हम एजुकेशन सीख सकते हैं। वो है तो सिर्फ यूट्यूब है। अगर हमें कोई परेशानी पड़ती है, हमें विंडो अपडेट करनी होती है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो टेक्निकल में हमें प्रॉब्लम पड़ती है, अब मैं टेक यूट्यूबर हूं तो टेक्निकल बारे में बताना चाहूंगा कि अगर हमें कोई टेक से रिलेटेड कोई चीज देखनी है तो उसके लिए हम यूट्यूब पर जाते हैं, टिकटॉक पर तो नहीं जाते ना। टिकटॉक पर हमें कुछ सर्च करने का ऑप्शन भी नहीं मिलता, वहां पर सिर्फ हमें हैशटैग का ऑप्शन मिलता है। मतलब वहां पर हम सिर्फ स्वाइप अप स्वाइप अप स्वाइप अप, मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट टाइम पास, क्योंकि स्वाइप अप करेंगे कौन सी वीडियो आपके काम की है, कौन सी वीडियो नहीं है, वहां पर सिर्फ ये हो सकता है। तो YouTube वर्सेस TikTok तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, YouTube की एक एप्लीकेशन आने वाली है, YouTube Short। अगर उसके आने के बाद YouTube Short वर्सेस TikTok होता तो एक बार को ठीक भी होता, लेकिन YouTube के साथ TikTok को रखना ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अब दोस्तों बात की जाए कि हमें YouTube से कोई परेशानी है या नहीं है, तो बिल्कुल दोस्तों हमें TikTok से परेशानी है, क्योंकि ये एक चाइनीज एप्लीकेशन है और चाइनीज में अभी आपने पीछे भी देखा होगा कि MI के कुछ फोनों में ये प्रॉब्लम आई थी कि वो हमारा कुछ डाटा चुरा रहे हैं। अब वो चीज़ तो क्लियर यहाँ पर बात नहीं करूँगा उस चीज़ के बारे में, लेकिन अब बात चली TikTok की, तो दोस्तों TikTok पर हमारे जो डाटा है उसको चुराने की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक चाइनीज एप्लीकेशन है। तो हमारा जो डाटा है वो चाइनीज सर्वर पर अपलोड होता है, ना कि इंडिया के सर्वर पर अपलोड होता है। दोस्तों जब हम टिकटॉक यूज करते हैं वहां पर मीडिया के लिए अलाउ करते हैं, तो ये जान लीजिए कि आपके फोन में जो भी डाटा, फोटो आपका, तो कोई फोटो, कोई वीडियो, कुछ भी डाटा है, उसको आप बिल्कुल भी सिक्योर नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो एक चाइनीज सर्वर पर अपलोड हो जाता है। अब उसका वो लोग किसी भी जरिए किसी भी तरीके से उसको फायदा उठा सकते हैं, या उसका कुछ गलत वे में यूज ले सकते हैं। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि TikTok हमारे लिए सही है या गलत है। अब दोस्तों जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि स्वदेशी अपनाओ विदेशी नहीं, तो यहाँ पर हम, मैं तो सिर्फ इतना मानता हूँ कि ये विदेशी एप्लीकेशन है। अब हर चीज़ तो हम, जैसे कि चाइनीज, अब हमारे चारों तरफ चाइनीज चाइनीज बहुत सारे आइटम देखने के लिए मिलेंगे, तो हम बिल्कुल तो चाइनीज सामान को अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ चीज़ जो हम कर सकते हैं वो हम ज़रूर करेंगे। जैसे चाइनीज ये एप्लीकेशन है TikTok, अगर आपने TikTok इंस्टॉल कर रखा है तो पहले वहाँ से आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, बस उसके बाद आप सिक्योर हो। हाँ, हमें चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी TikTok जैसी एप्लीकेशन जरूर आनी चाहिए इंडिया में, जिसको इंडिया के लोग यूज कर सकें और वो सिर्फ इंडिया के लिए बने, तब हमारे लिए और भी बेटर होगा, हम उसके द्वारा अपने एंटरटेनमेंट को ऐसे ही कंटिन्यू रख पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा लेना। और दोस्तों क्या है आपके मन के विचार TikTok के बारे में, मुझे कमेंट जरूर करके बताना। मिलता हूं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे होम स्टे सेफ।